अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के धनौती ओपी में पदस्थापित होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि होमगार्ड जवान की तबियत बिगड़ने के बाद होमगार्ड जवान के पुत्र के द्वारा सिवान सदर अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक होमगार्ड का जवान रविंद्र बैठा है, जो सिवान जिला के धनौती ओपी में पदस्थापित है। होमगार्ड जवान के पुत्र विशाल कुमार बैठा ने बताया कि रात में ड्यूटी करके अभी वे थाना पर आकर बैठे ही थे कि अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद उनके स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि तबियत खराब है। तबियत खराब होने की बात सुनकर रविंद्र बैठा का पुत्र धनौती ओपी पहुंचा। उसके बाद आनन फानन में वो अपने पिता को लेकर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया, जहां पर्ची कट जाने के बाद अस्पताल के कंपाउंडर द्वारा ऑक्सीजन मास्क का डिमांड किया गया। अस्पताल के कंपाउंडर उसे बाहर से खरीद कर ऑक्सीजन मास्क लाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद होमगार्ड जवान का पुत्र बाहर से ऑक्सीजन मास्क खरीद कर लाता है, लेकिन उसके पिता को इतनी बेचैनी थी कि वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था। होमगार्ड जवान का पुत्र ने बताया कि हम ऑक्सीजन मास्क लाने बाहर चले गए और जब बाहर से लेकर आए तो पिता का दर्द मुझे देखा नहीं गया। मैं डॉक्टर चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे पिताजी को देखने के लिए। उस हालत में मैंने बाहर से एम्बुलेंस बुलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इधर मौत के बाद पूरा परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक होमगार्ड के पुत्र ने बताया कि जब मेरे पिताजी की तबीयत ड्यूटी के दौरान खराब हुई थी तो थाने से कोई भी स्टाफ मेरे साथ सदर अस्पताल नहीं आया। उनके पुत्र ने यह भी कहा कि अगर समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते तो शायद मेरे पिता की जान बचाई जा सकती थी। हमारे पिताजी का तबीयत खराब था, मतलब हम लोग लेकर आ रहे थे सदर अस्पताल में, तो लाए तो यहाँ पर पर्ची कटाए, फिर पर्ची कटा कर अंदर गए तो वो स्टाफ 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि इफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। कुछ थे वो बोले कि बेड पर ले जाकर सुलाओ उनको, उसके बाद हम लोग गए बेड पर सुलाए। उसके बाद वो वहाँ के स्टाफ थे, वो बोल रहे थे मतलब हमारे पिताजी तड़प रहे थे ज्यादा, तो हम बोले आकर कि देखिएगा ये ज्यादा सीरियस है, आप लोग कुछ कीजिए, कुछ कर नहीं रहे। कब से हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे कई लोगों से, ज्यादा स्टाफ थे 4-5, रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद वो लोग बोले कि जाइए वो मास्क खरीद कर लाइए, ऑक्सीजन मास्क। उसके बाद हम गए बाहर की दुकान से, इस अस्पताल के सामने दुकान पर गए, मास्क खरीद कर लाए, नहीं दवाई नहीं खरीदे थे, मास्क खरीद कर लाए। उसके बाद स्टाफ लोग को दिए तो वो लोग लगाए। उसके बाद बोले कि वेट करो, अभी डॉक्टर सब लोग आएंगे तो चेक करेंगे। उसके बाद हमको देखा नहीं गया और ज्यादा बीमारी। कितने बजे का ये मामला है कि डॉक्टर नहीं मिले आपको? 8-7 बजे। 7 बजे क्या, रात को? नहीं, अभी सुबह में। सुबह में 7 बजे डॉक्टर नहीं थे? पिताजी को अपने कितने बजे लेके आए थे? वहाँ से लेकर आए थे लगभग 5-6-7, यहाँ तो 7 बजे आ गए। आप अस्पताल में सुबह 7 बजे आए? हाँ। और डॉक्टर आपको नहीं मिले? नहीं, स्टाफ सब थे, खाली स्टाफ जी। स्टाफ लोग क्या बोला? वो लोग तो बोले कि ऑक्सीजन मास्क लाओ बाहर से। उसके बाद हम गए ऑक्सीजन मास्क लाए, स्टाफ सब लगाया। उसके बाद तड़प, मतलब हमको देखा नहीं गया था तो
कोई आ नहीं रहा था, बोल रहे थे वेट करो डॉक्टर साहब आएंगे तो सब देखेंगे करेंगे। तो हम मैं निकाला और निकाल कर यहाँ पर बाहर लाया, तो यहाँ पर मैं तो अकेला था तो उठ उठ नहीं रहे, तो वैसे ही कैसे भी करके लाया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पूरा जलन हो रहा था, तो यहाँ पर एम्बुलेंस को फोन किया तो आई, तो गाड़ी में बैठा कर ले गए, तो रास्ते में डेथ जी डेथ हो गया रास्ते में जाते जाते यहीं पर हो गया बस। उसके बाद अब फर्दर क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कुछ नहीं, फिर वापस पोस्टमार्टम वगैरह के लिए कुछ प्रक्रिया हुआ कि जी पता नहीं कब से लगभग हम लोग अभी तो 2 घंटा हो गया, अभी पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे को कुछ अभी पता ही नहीं है। नाम बता दो। मेरा नाम है विशाल कुमार। आपने कहा ड्यूटी कर रहे हैं? धनौती मठ है यहाँ पर। धनौती मठ जी तमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान।